बैक टू माई चैनल स्लीक पॉश एंड पनाश। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो बहुत दिन हो गए थे मैंने अपने स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी। सो आई थॉट कि आज मैं आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने पर्पल से क्या क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या क्या प्रोडक्ट रिसीव हुए। साथ ही साथ में सबके लिंक और प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। और सबके रिव्यू और स्वॉचेस मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो यू कैन चेक दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज दिस जॉय का सनस्क्रीन। ये मैंने ये जॉय का हेलोसन मैटिफाइंग नेचुरल टोन सनस्क्रीन। ये टिंटेड सनस्क्रीन है, तो इसको लगाने के बाद आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 SPF PA+3 है इसमें, UVA है और UVB से भी ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये सॉफ्ट फोकस इफेक्ट के साथ में नेचुरल टेंट्स के साथ में इजीली ब्लेंड होता है और वाटर रेजिस्टेंट है। तो इसकी MRP है 325 रुपीज़। और मैंने जब पर्पल से ऑर्डर किया था तो इस पर बाय वन गेट वन की सेल चल रही थी, तो बाय वन गेट वन में मुझे ये पड़ा 325 में दो। तो इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और स्वॉचेस में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, यू कैन चेक इट। तो आइए हम चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पर। ओके, जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है हमारा ये गुड वाइब्स का चोको कॉफ़ी हैंड क्रीम। ये नरिशिंग हैंड क्रीम है, इसमें चॉकलेट और कॉफ़ी के गुण हैं। और इसकी MRP है 209 रुपीज़। ये मुझे, मैं एलाइट मेंबर हूँ तो मुझे ये फ्री मिला था। तो ये प्रोडक्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसकी भी मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसका सबसे अच्छा ये है कि इसका पैकेजिंग बहुत क्यूट है, स्मॉल है, तो आप इसको अपने हैंडबैग में भी रख सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो और आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी लिस्ट में वो है ये NYBA का आई शेडो पैलेट। इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें आपको पिंक, ब्राउन, वाइट टोन, ग्रीन, स्मोकी ब्लैक सबके शेड्स मिल जाएंगे। इसका भी मैं आपसे रिव्यू और स्वॉचेस शेयर कर दूंगी। तो जिस टाइप की पैकेजिंग में आता है ये, और इसमें शिमर और मैट दोनों कलर है, तो ये भी बहुत क्यूट है। और इसकी MRP है 325 रुपीज़। ये भी मुझे रिसीव हुआ था 200 रुपीज़ में सेल में, तो इसकी भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हो। ये ट्रेवल साइज पैकेजिंग है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जैसे मेरे पास जो आई शेडो पैलेट है वो है इतना बड़ा बुक जैसा, तो वो मैं हर कहीं कैरी नहीं कर सकती। तो अगर मुझे कुछ कॉम्पैक्ट चाहिए जिसमें सारे कलर्स अवेलेबल हो तो आई कैन यूज़ दिस। तो मैं इसके भी आपसे लिंक और स्वॉचेस शेयर कर दूंगी, यू कैन ऑर्डर इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो लास्ट टाइम मैंने गुड वाइब्स का ये गोल्ड पिल ऑफ मास्क ऑर्डर किया था। ट्रस्ट मी, इसके बाद मुझे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी एक पूरी ट्यूब खत्म हो चुकी थी। तो मैंने ये नेक्स्ट ट्यूब ऑर्डर करी है और इसकी भी MRP है 209 रुपीज़। ये भी मुझे सेल में पड़ा था तो बहुत कम प्राइस पड़ी। इसकी भी मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, क्लीन फेस और नेक पे इसको लगाना है, अच्छी थोड़ी सी थिक लेयर लगाना। और जब आप इसको निकालने जाओगे तो इसको अच्छे से पिल ऑफ करके उसके बाद कॉटन से आप चेहरा क्लीन कर सकती है वेट वाइप से। तो मैंने इसका जो भी रिव्यू है वो एक रील भी शेयर करी है और एक शॉर्ट्स भी, उसमें भी शेयर किया है, तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसका फुल रिव्यू वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था वो है ये स्विस ब्यूटी का जेंटल एक्सफोलिएटिंग जेल। और इसकी MRP है 229 रुपीज़। 229 रुपीज़ में ये मुझे रिसीव हुआ है, 100 ग्राम्स की क्वांटिटी। और ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही जेंटल है, इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आप स्क्रब यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जेंटल है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसका जेल है कंसिस्टेंसी में ये, तो आप यूज़ कर सकते हो और इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी स्मूथ हो जाएगी और इससे बहुत जल्दी डस्ट ऑफ होता है। तो मैं इसका भी पूरा जो रिव्यू है वो आपसे शेयर कर दूंगी, स्वॉचेस यहाँ पे शेयर कर दूंगी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी शादी का सीज़न आने वाला है और शादी के सीज़न में हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई मेकअप और लिपस्टिक। तो अगर आप लिपस्टिक की जगह लिप ग्लॉस यूज़ कर रहे हो या फिर न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो तो आपका आई मेकअप हैवी होना चाहिए। और अगर आप आई मेकअप लाइट कर रहे हो एकदम तो आपकी लिपस्टिक बोल्ड होनी चाहिए। अगर आपने आई मेकअप भी बोल्ड किया और लिपस्टिक भी बोल्ड करी तो आपका चेहरा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ब्राइट और भड़काऊ लगेगा। और अगर आप लाइट यूज़ करें लिपस्टिक और ये दोनों तो भी आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल लगेगा। तो उसके हिसाब से मैंने ये ऑर्डर करा था NYBA का
लूज ग्लिटर, बहुत क्यूट पैकेजिंग है इसकी, ये आई शेडो है और मैंने इसमें कलर ऑर्डर किया था रोज गोल्ड। तो ये एक लूज पिगमेंट है, आपको आपका मेकअप सेटिंग का जो स्प्रे रहता है या मेकअप फिक्सर है आपके पास में जो भी है उसको ब्रश में डिप करना है और उसके बाद में आपको ये लूज ग्लिटर उसके साथ में उठाना है। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, मैं इसका फुल रिव्यू आपके साथ में शेयर कर दूँगी, तो यू कैन टेक इट। और इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ओके, सो एज यू ऑल नो कि मैंने लास्ट ईयर स्ट्रेटनिंग कराई थी बट अब मेरे बालों में वापस कर्ल्स आना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैंने वापस अपने कर्लिश हेयर केयर रूटीन पे स्विच कर लिया है। तो ये बी ब्लंट के न्यूली लॉन्च कंडीशनर और शैम्पू है, ये इसका कंडीशनर है बी ब्लंट का सलून लाइक हेयर कर्ली हेयर कंडीशनर, हेल्प्स नरिश एंड मॉइस्चराइज। इसमें है कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर एंड जोजोबा ऑयल, 250 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और ये शाइन टॉनिक के साथ में। इसकी MRP है 399 रुपीज़ और ये मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ में पर्पल की सेल में, तो मैंने एक ये ऑर्डर किया था और इसके साथ में मैंने एक ये शैम्पू ऑर्डर करा है। ये बी ब्लंट का कर्ली हेयर शैम्पू है, ये भी हेल्प्स नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है, कोकोनट वाटर एंड जोजोबा ऑयल है विथ शाइन टॉनिक है और 300 ml इसकी क्वान्टिटी है और इसकी भी MRP 400 रुपीज़ है, तो मुझे ये सेल में 300 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये कर्ली हेयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए भी मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट शेयर किया था जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो यू कैन चेक इन आउट। तो ये मेरे क्यूट क्यूट से हेयर केयर के रूटीन के शैम्पू। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करी है, जैसे कि कंसीलर हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, कौन सा सीरम टोनर, कौन मैंने लिप ग्लॉस ऑर्डर किया नया, नए नए मेरे लिप लाइनर आई लाइनर सब शेयर किए। तो आप बने रहिए और देखते रहिए आगे आगे, मैं इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था वो है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। इसके मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देखे थे कि ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है, लोग इसको मैक से कंपेयर कर रहे हैं और मैंने भी सोचा कि अगर मेरा मेबलिन का जो फिट मी वो ख़त्म होने वाला है तो आई शुड ट्राई दिस। तो मैंने अपने लिए ये शेड ऑर्डर किया है, लिक्विड कंसीलर है ये 02 शेड ऑर्डर मैंने इसमें ऑर्डर किया है, स्विस ब्यूटी का है ये, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग में आता है और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसमें आपको क्वांटिटी रिसीव हुई है, जस्ट मिनट, 229 इसका प्राइस है और क्वांटिटी इसमें हुई है 6 ग्राम रिसीव हुई है, तो 229 रुपीज़ में 6 ग्राम ये स्टील डील है एक तरीके से। इसका भी मैं आपसे रिव्यू शेयर कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो यू नो कि मैं सीरम मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश एंड टोनर सब रोज़हिप का यूज़ करती हूँ, तो मेरा रोज़हिप का सीरम और फेस वॉश और फेस क्रीम सब ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर से इसको रिफिलिंग के लिए ऑर्डर किया है। ये है गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग ग्लो फेस क्रीम और इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम, 100 ग्राम का इसकी प्राइस है 399 रुपीज़ और ये मुझे रिसीव हुआ है 250 रुपीज़ में सेल में, तो मैंने ये ऑर्डर किया था और इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है, तो यू कैन चेक इट आउट। पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। अगर आप ड्राई स्किन की कैटेगरी में आते हो तो दिस विल बी द होली ग्रेल फॉर यू। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव ऑर्डर इज़ फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम रोज़ी फैमिली, इट्स अ रेडियंट ग्लो फेस सीरम, रोज़ी फेस सीरम है ये, इनर ग्लो के लिए आता है। इसकी प्राइस है 599 रुपीज़ और ये मुझे रिसीव हुआ था 420 रुपीज़ में सेल में। इसकी क्वांटिटी है 50 ml, इसकी तीन पैकेजिंग आती है 50 ml, 10 ml एंड 30 ml, बट मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं इसका हमेशा बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ जो मुझे कम से कम 5 से 6 महीने चल जाता है। तो ये इसकी पैकेजिंग है और दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है, तो अगर आपको भी ये परचेस करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन चेक इट एंड लेट मी नो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो दिस इज़ इफेक्टिव फॉर यू और नॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो ये क्यूट सी छोटू सी पैकेजिंग में नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये एल्प्स गुडनेस का टी ट्री ऑयल और ये मुझे फ्री रिसीव हुआ है। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करी थी तो पर्पल में हमेशा जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स उसमें मिलते हैं, तो उस फ्री सेल में मुझे ये 10 ml का रिसीव हुआ है, बट मेरे पास में ऑलरेडी टी ट्री ऑयल है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे तो मुझे डॉक्टर ने, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कि आप टी ट्री ऑयल की 5 to 10 drops यूज़ करो अपने रेगुलर हेयर ऑयल में मिक्स करके हेयर वॉश के पहले और उसके बाद हेयर वॉश करो, तो उससे आपके बाल अच्छे होंगे। और अगर आपको एक और हैक बताती हूँ, अगर आपको एक्ने है, बॉडी एक्ने है या फेस एक्ने है, कुछ भी अगर बॉडी एक्ने है तो आप इस
टी ट्री ऑयल की 2 to 3 drops अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके रख सकते हो और फेस पे लगा सकते हो नाइट में, तो उससे आपके एक्ने क्लियर होंगे। अगर आपको बॉडी एक्ने है तो इसकी पूरी बॉटल को आपके 300 to 500 ml के बड़े वाले बॉडी लोशन में मिक्स करके रख देना और डेली यूज़ करना, आपको बॉडी एक्ने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इससे एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी रिजॉल्व होती है। तो आपको अगर नींद नहीं आती है, आप किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आप टेंशन में हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आप यूज़ करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दिस रेमेडी वॉज इफेक्टिव फॉर यू और नॉट। और इसकी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 185 rupees इसकी MRP है, आपको पर्पल पे इजीली 130 to 140 rupees में मिल जाएगा। और 10 ml इसकी क्वांटिटी है, ट्रस्ट में ये 10 ml आपको 6 months कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या फीडबैक रहा। और आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। ओके, तो एज़ यू नो कि मैं बहुत टाइम से ना मतलब लिपस्टिक लिपस्टिक ही यूज़ कर रही थी। मेरे पास बहुत टाइम से लिप ग्लॉस एक भी नहीं था। मैंने लिप ग्लॉस अपनी लाइफ में आई थिंक 2 या 3 बार ही लिप ग्लॉस यूज़ किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके बार मैं लिप ग्लॉस ट्राई करूँ। और एज़ यू नो कि जो 2000 के टाइम पर ट्रेंड था लिप ग्लॉस का, दैट इज़ बैक। और अब हम लिप ग्लॉस फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था ये स्विस ब्यूटी का प्लम्प अप लिप ग्लॉस। और ये वेट ग्लॉस है, इसकी क्वांटिटी है 2 ml। और इसमें मैंने 07 शेड ऑर्डर किया था जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं इसका भी जो रिव्यू है और स्वॉच है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, यू कैन चेक इट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको भी लिपस्टिक हैवी लगती है, या आप टीनेज में हो, या आपने आई मेकअप हैवी किया और आपको उसके साथ में लाइट यूज़ करना है लिप मेकअप, तो आप ये लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको यूज़ करना और मुझे बताना कि आपका इसमें जो भी फीडबैक था, आपको कैसा लगा, वो सब मुझे बताना। और इसकी क्वांटिटी इतनी है और मैंने 150 rupees का ये परचेस किया था 2 gram का। बट हाँ, क्वांटिटी पहले मुझे लगा बहुत कम आएगी, बट इसकी पैकेजिंग के हिसाब से यू कैन सी कितना बड़ा है ये और बहुत दिन चल जाएगा। तो यस, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर लिप ग्लॉस परचेस। अब चलते हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और आई थिंक मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम परचेस किया है, दैट इज़ लिप ऑयल। तो ये है कलर एंड कंडीशनर लिप ऑयल ब्लू हेवन का, जो मेरे लिप्स पर भी लगा हुआ है, ये वही है। और इसमें मैंने शेड ऑर्डर किया था, इसका टिंटेड लिप ऑयल है ये। मैंने इसका रेड वाला शेड ऑर्डर किया था, क्रैनबेरी रेड। तो मैं आपको उसका रिव्यू, उसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब इसमें से मैं लिप ग्लॉस आपको लिप ऑयल निकाल के दिखा देती हूँ। तो इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ है, कलर एंड कंडीशन। और इसकी MRP है 275 rupees, मुझे ये रिसीव हुआ था 220 rupees में। और यही कलर है, ये मेरे लिप्स पे लगा हुआ है अभी और बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्रैनबेरी रेड शेड है और ये है 4.2 ml का। तो इसकी क्वान्टिटी एज़ कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी के लिप ग्लॉस से क्वान्टिटी ज़्यादा है। बट एज़ यू कैन सी हेयर कि ये जो है ये काइंड ऑफ लिपस्टिक जैसा है और वो वेट लिप ग्लॉस है। और इससे भी आपके लिप्स पे कोई इरिटेशन नहीं होगा, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अजीब सा यूज़ कर लिया है। जैसे मैट लिपस्टिक यूज़ करने के बाद कुछ टाइम बाद में ना ऐसे पपड़ी बन के यहाँ से निकलने लग जाती है, बट दिस इज़ नॉट द केस विथ दिस वन। तो ये मैंने ऑर्डर किया है कलर एंड कंडीशन ब्लू हेवन का लिप ऑयल। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं पर्पल पे जाके। और इसका रिव्यू मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका इसको यूज़ करने के बाद में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। ओके, सो एज़ यू गाइस कैन सी, आज मेरा जो विंग लाइनर है वो एकदम परफेक्ट लगा है, कहीं से भी ऊँचा नीचा नहीं है और कहीं से भी इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अजीब सा। तो इसके लिए मैंने ये सबसे मस्त प्रोडक्ट है मेरी पूरी परचेस का, ये मैंने देखा था काजा का अवेलेबल था, बट काजा का बहुत ज़्यादा महंगा था, आई थिंक 500 के ऊपर ही था। तो उसका सेम ड्यूप ऑर्डर किया मैंने, ये है स्विस ब्यूटी ने क्रेज़ अभी लॉन्च करी है नई ब्यूटी रेंज, तो उस मेकअप रेंज में ये मुझे रिसीव हुआ। तो इसमें स्विस ब्यूटी का क्रेज़ ये आईलाइनर है, इसकी क्वांटिटी है 2.8 ml और MRP है इसकी 299 rupees, मुझे ये रिसीव हुआ है 220 rupees में। इसकी भी मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो इसमें आपको ये लिड रिसीव हुई है जिससे आप नॉर्मल लाइनर लगा सकते हैं, एंड इसके साथ में अब आपको ये स्टैम्प मिल जाएगा। इस स्टैम्प के थ्रू आप
अब आराम से अपना विंग आईलाइनर क्रिएट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बहुत क्यूट पैकेजिंग है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैंने मेरी आईज़ को लगा के रखा है, 3 घंटे हो चुके हैं, कहीं से कहीं तक नहीं हिला है। तो अगर आपको भी ये ऑर्डर करना है तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी, यू कैन ऑर्डर इट। अब मैं चलती हूँ कलर्ड आईलाइनर की तरफ, जो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, और मैं जल्दी जल्दी नए नए लुक इससे क्रिएट करके आपको बताऊँगी, तो यू कैन चेक। ओके, सो अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने जो ऑर्डर किया था इसमें, वो है ये NYB का ट्रूली मैट आईलाइनर, और इसकी MRP है 249 रुपीज़। इस पर सेल चल रहा था बाय वन गेट वन का, तो मैंने दो कलर ऑर्डर करे, एक पर्पल और एक आई थिंक ग्रीन। तो ये मेरा पर्पल लिलैक कलर का NYB का आईलाइनर है, इससे मैं बहुत जल्दी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और आप अगर ये यूज़ करते हैं ना, तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कलर आईलाइनर यूज़ करने का, कि इसके बाद में आपको आई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो नंबर है वो है 13 लकी लिलैक 4.5 ml। तो इसका भी मैं आपसे रिव्यू शेयर कर दूँगी, यू कैन चेक। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी NYB का ट्रूली मैट आईलाइनर है, और ये मैंने ऑर्डर किया ग्लैमर ग्रीन। तो इसका भी कलर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आप जैसे फंकी लुक क्रिएट करना चाहते हो ना कभी, जैसे अभी ग्राफिक आईलाइनर चल रहे हैं ये सब, तो उसके लिए। और ये वाला कलर का आईलाइनर है ये, इसका भी मैं आपसे रिव्यू शेयर कर दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो यू कैन चेक इट। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक मैंने ये ऑर्डर किया था NYB का एली आईलाइनर, क्योंकि मैंने जो ये दोनों NYB का ऑर्डर किया ना, ट्रूली मैट, इन दोनों में ब्लू शेड अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे पास में ऑलरेडी ग्रे है, रेड है, बहुत, मतलब 2-3 आईलाइनर है, बट मेरे पास में ये नहीं अवेलेबल थे। तो मैंने इसका ब्लू ऑर्डर करा, ये है NYB का एलिस आइलैंड आईलाइनर, और इसकी MRP है 195 रुपीज़, और इसमें 6 ml प्रोडक्ट आता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये मैंने ऑर्डर किया था, एज यू कैन सी ब्लू कलर है इसका, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इसको लगाने के लिए भी लाइनर की जो निब है वो बहुत ज़्यादा पतली है। तो यस, दिस इज़ द लाइनर। सो या ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने परचेस किए, सबकी लिंक, प्रोडक्ट रिव्यू और सारे स्वॉचेस मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत मज़े आए होंगे ये प्रोडक्ट के रिव्यू देखने में। अगर आपको इनमें से किसी को लेकर भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिलो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे रिव्यू देखने के लिए और ब्यूटी चैनल पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू मिलेंगे। मेरे चैनल पे अनस्पॉन्सर्ड है जो भी ये प्रोडक्ट है, ये मैंने मेरी हार्ड अर्न मनी से परचेस किए हैं, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप के थ्रू मुझे पर्पल के थ्रू नहीं मिला है। तो अगर आपको ऐसे और रिव्यू देखने हैं तो यू कैन सब्सक्राइब। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।